जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बोर्ड परीक्षा को नकलविहीन संपन्न कराने के लिए जिले के परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ तारामंडल स्थित योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षा गृह में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि सोमवार को बोर्ड परीक्षा के सुबह व दोपहर की पाली में ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे, जिसको देखते हुए केंद्र व्यवस्थापक को स्टैटिक मजिस्ट्रेट सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई है। उनको शासन के द्वारा बोर्ड परीक्षा को लेकर जारी निर्देशों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि सोमवार को सुगम व्यवस्था के साथ शिक्षा विभाग की टीम ने परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया। इसके साथ ही सभी परीक्षा केंद्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया गया है कि किसी भी केंद्र पर नकल ना होने पाए। अगर किसी केंद्र पर नकल करते कोई भी परीक्षार्थी पाया जाता है तो उस परीक्षार्थी व केंद्र व्यवस्थापक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर ADMCT विनीत कुमार सिंह, DIOS ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया सहित केंद्र व्यवस्थापक व सेक्टर मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, व्यवस्थापक में से कोई किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, कोई नहीं पहुंच पाए टाइम से, तो उस चाबी का इस्तेमाल करके आप पहुंच सकते हैं, वो व्यवस्था पूर्वक रहेगी। अभी केवल नई चीज ये ऐड हुई है कि जिस, ये तो अलमारी की चाबी की बात है, जिस कमरे में आप पेपर रख रहे हैं उस कमरे के बाहर का जो ताला लगेगा उसमें भी तीन चाबी है, तीनों दे दिया जा रहा है। अरे भाई तीन, हाँ आप तीनों दे दीजिए, उसमें फिर आप अपने पास मत रखिए, वो तो मैं बता दिया, बार बार निर्देश आप सुनते नहीं ध्यान से, इसका मतलब यही कहा गया, वो चाबी आपके पास नहीं रहनी है, ना केंद्र व्यवस्थापक के पास, ना बाहर केंद्र व्यवस्थापक के पास, अब ये तीन चाबी सारा उसको दीजिए। मैंने ये भी बताया कि अगर वो टाइम से नहीं पहुंच पाता है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो ताला तोड़ने के लिए मैंने कहा, क्लियर हो गया। हम लोग किसी व्यवस्थापक के काम करते हैं, अगर हम लोग अविश्वसनीय हो गए, अगर हम लोग अविश्वसनीय हो गए, नहीं विश्वसनीय, ये विश्वसनीयता का सवाल नहीं है, वो हम आपको बता रहे हैं, उसका हमारे होना है, नहीं नहीं आप वहाँ पे हैं, जो जो अधिकार पहले वहाँ पे वो अगर आपके पास है तो आप अतीत में व्यवस्थापक हैं, आपके द्वारा ही सारा काम होना है। उनके समय में मैं आपको बताऊंगा इसका इसी पृष्ठभूमि और जो इसका बड़ा चित्र है वो आपको समझना पड़ेगा। ये पूरी कवा के ये कहेगा कि यूपी बोर्ड से उत्तीर्ण तो उनको लगना चाहिए उस राज्य के या उस क्षेत्र के उस कंपनी के जहां वो इसका अवलोकन कर रहे हैं, प्रमाणीकरण पे जा रहे हैं कि हाँ ये तो बड़ा बोर्ड, ये तो सर्वश्रेष्ठ बोर्ड, उत्कृष्ट बोर्ड। तो पहले जब अमृत निकलने के पहले मंथन होता है और उसी के कवायद में मैं और आप लगे हैं, शासन का की मंशा के अनुरूप लगे हैं, इसमें हम सब एक सिर्फ मोहरे हैं, हम सब योद्धा हैं, हम सब एक दायित्व के साथ काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जैसे कुछ जनपदों में कुछ लोगों के कारनामे के कारण वो जनपद बदनाम हुआ है, गोरखपुर में हम एक टीम, एक भावना, एक मंशा, एक सत्यनिष्ठा के साथ चलेंगे और टेक्स्ट बुक में जैसा है वैसे हम लोग ये परीक्षा संपन्न करने में लगे। इम्पोर्टेंट है बच्चों का भविष्य, इम्पोर्टेंट है ये पीढ़ी का आगे का जो भविष्य वो इम्पोर्टेंट है, और ये सिस्टम में आगे इसी तरह हम कटबद्ध होके सख्ती से अभी बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में, क्योंकि कल सुबह की पाली में और शाम की पाली में, दोपहर के पाली में बड़ी परीक्षाएं हैं, ज़्यादा उपस्थिति बच्चों की होगी, तो उनके लिए व्यवस्थाओं के लिए केंद्र व्यवस्थापकों के साथ स्टैटिक मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ बैठक की गई, उनको शासन से प्राप्त निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया, उनके जितनी भी जिज्ञासा हैं उसको दूर की गई। कल सुगम व्यवस्था के साथ, पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सभी प्रशासन की टीम और शिक्षा विभाग की टीम इसको संपन्न कराएगी।